हरदोई के शाहबाद तहसील में एक जर्मनी से लौटे युवक को जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। यहां से कल उसका सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा। यहां पर प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। जब मरीज में एम्बुलेंस को जिला अस्पताल में दाखिल करना था, शाहबाद तहसील के एक युवक जर्मनी से वापिस आया है। हालांकि वह अपने आप को स्वस्थ बता रहा है, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को लगी, एक टीम बनाकर युवक को जिला अस्पताल लाई और उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। सीएमएस डॉक्टर एस के शाके ने बताया कि युवक के सैंपल कल जांच के लिए भेजे जाएंगे और जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक उसको वार्ड में एहतियात के लिए रखा जाएगा। बता दें कि युवक को शाहबाद से एम्बुलेंस से लाया गया था। जिस एम्बुलेंस को यहां दाखिल हुआ था, उसका रास्ता जिला अस्पताल की दीवार तोड़कर बनाया गया था। इस दौरान काफ़ी देर तक एम्बुलेंस बाहर खड़ी रही और जब दीवार टूटी तो डीसीएम अंदर दाखिल कराई, जो फंस गई, जिसके बाद जेसीबी मशीन से उसे निकलवाया गया। मुरादाबाद से वाजिद अली की रिपोर्ट। हमारे ये कि हमने आजकल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन चल रहा है, तो उसकी सुरक्षा के लिए और कोई संभावित मरीज आता उसकी भर्ती के लिए हमने यहाँ एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है। इस समय एक जर्मनी से घूम करके एक पेशेंट हमारे जनपद में शाहबाद तहसील का है, जिसको हमको पता लगा। उस मरीज को हमारी टीम गई, उसको यहाँ पर ले आए है, उसकी जांच की जा रही है, उसके सैंपल लिए जा रहे हैं। कल सैंपल को लखनऊ टेस्टिंग मेडिकल इसी भेजा जाएगा। प्राइमरी तौर पर क्या उसने दिक्कत बताई है, क्या लगता है? प्राइमरी तौर पर उसने किसी प्रकार की दिक्कत नहीं बताई है, वो पूरी तरह स्वस्थ अपने को बता रहा है। फिर भी हमें उसको आइसोलेशन वार्ड में आइसोलेट करके रखना है जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल, आपकी तैयारियों में कमी रह गई, एम्बुलेंस काफ़ी देर तक बाहर खड़ी रही और रास्ता नहीं बन पाया, फिर दोबारा घुमा के आई, ये क्या मामला था? ये मैन रास्ता से आनी चाहिए, लेकिन हमको निर्देश दिए गए हैं कि एक अलग से रास्ता बनाया जाए, क्योंकि उस रास्ते में नाला पड़ रहा था। नगर निगम के अधिकारियों को बताया गया, उन्होंने भी नाला पे पत्थर रखने का सब व्यवस्था की है। आज की जो व्यवस्था थी, कल परसों तक पूरी व्यवस्था हो जाएगी। अगर कोई अगला केस आता है सस्पेक्टेड, तो उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। आज कितनी देर लग गई वो एम्बुलेंस वगैरह वहाँ खड़ी रही? नहीं, जब एम्बुलेंस आई और देखा कि नहीं नाले पार कर रही है, तो अपने दूसरे रास्ते से। कितनी देर लगी यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रही? अब उसका मुझे कोई अंदाज नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.